हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद रिशाद पारा के लिए है। अली भाई या अब्दुल, तो ये जब हमने एक्सपीशन बनाई तो इसका मकसद ये था कि हम डेडिकेट करेंगे। अली भाई अब हमारे बुजुर्ग हमेशा के लिए जिंदा रहे। दबंग खबर के शुक्रिया कि आज एक इंतहाई खुशगवार माहौल में कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क के स्टार्स हैं, न कि मुल्क के स्टार्स हैं बल्कि पूरी दुनिया के ये स्टार्स हैं, ये उभरते हुए हमारे सितारे हैं। हाल ही में नेपाल से माउंट अन्नपूर्णा को सर करके वापस आने वाले दो हमारे प्यारे दोस्त सरबाज खान और अब्दुल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दो नौजवान पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा से तारुख रखने वाले ये दोनों नौजवानों ने अन्नपूर्णा को सर किया और इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है, यानी कि 8000 जो है ये सर कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरबाज, ये इनका छठा 8000 है जो इन्होंने सर किया है। सरबाज साहब कैसा लगा आपको 8000 आपने सर किया है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मिशन समिट 14 का छठवा पीक है जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक पीक है माउंट अन्नपूर्णा को समिट करके आया हूँ और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहरा के आए हैं, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्लाइम करते हुए कोई दिक्कत महसूस हुई आपको? सुना है कि ये तीसरी बड़ी चोटी है जिसको सर करते हुए बड़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं। माउंट अन्नपूर्णा के बारे में सिर्फ हमने अल्पाइनिस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज है उनमें देखा था, सुना था, लेकिन अपने जो तजुर्बा उसके ऊपर नहीं था। तो जब हम जाते हैं वहाँ पर ख़ुद उसका एनालिसिस करते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो जो सुना था और सिर्फ उस पर देखा था उससे हमें उससे बढ़ के हमें मुश्किलात वहाँ पे आती है। आपने कभी महसूस किया कि यार बस यहाँ तक काफ़ी है, क्विट करना चाहिए क्योंकि हमें आगे 14 जो है ना चोटियाँ पूरी करनी है, सर करनी है? नहीं, इंशाल्लाह वो मैं तो कर ही लूँगा आप लोगों की दुआ से। लेकिन हाँ, अन्नपूर्णा पे जब हम गए पहले रोटेशन पे, जब हम कैंपोन जा रहे थे तो फिर हम तकरीबन दो एवलांच की जद में आए हैं। एक तो हमारे जो शेरपा थे नेपाली जिनको जो एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स कहते हैं वो जद में आए और उसके बाद हम खुद भी उसके जद में आए, लेकिन हम रीच पे थे उस जो एवलांच आई थी उसके लेफ्ट साइड पे, तो हमें उसके जो हवाएं थी वो लगी लेकिन बहरहाल हम बच गए। और आप दोनों को मुबारक हो, आपने यूं जो है ये चोटी सर की। आप ये बताएं कि आप एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो दुनिया की 14 8000 हैं उनको सर करना चाह रहे हैं और ये मिशन है अली सतपारा मरहूम का, क्या कहेंगे और आपका टारगेट क्या है आने वाले दिनों में? मेरा मिशन है मिशन समिट 14 जो कि दुनिया के 14 पीक्स है जो अबव 8000 मीटर से, तो मैं उन पे अपना मुहिम जारी रखा हुआ हूँ और ऑलरेडी मैं पाकिस्तान में 3 और अभी नेपाल में 3 कर चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 2 मई को दुनिया की पहली हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पे। तो इंशाल्लाह मोहम्मद अली भाई का हम जिक्र ज़रूर करेंगे इसमें क्योंकि वो हमें लीड कर रहे थे, जितने भी पाकिस्तानी क्लाइंबर्स है उनको लीड कर रहे थे, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाते थे हमारे हक़ के लिए और जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनका एक यानी लीडर के तौर पर हम मानते थे। हमारी बदकस्मती कि वो अब हम में ना रहे, तो अभी हर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी जो हमारी क्लाइंबिंग कम्युनिटी है उनको साथ ले कर चलें। अच्छा अब्दुल जोशी साहब, ये बताएँ कि आप कि ये पहली 8000 है और आपने भी एक मुश्किल तरीन चोटी सर की है, आपको भी मुबारक हो। साथ आपके सरबाज साहब जो कि पहले ही 5 चोटियां सर कर चुके थे 8000, आपने भी अटैम्प्ट की हैं इससे पहले 8000 3 अटैम्प्ट की हैं, बहरहाल आप उसमें कामयाब नहीं हुए। अब की बार आप नेपाल जाके आप ये जो है ना एजाज़ हासिल करके आए, क्या फ़ील हुआ? सबसे पहले ये कि मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं जाके एक 8000 पीक जो है मैं समेट कर लूँगा, तो एक बहुत ही वो था मेरे दिल में। तो जब सरबाज से मेरा बात हो गई थी तो उसने कहा कि चलो साथ ही चलते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से हम जब नेपाल पहुँचे, जब हम बेस कैंप पहुँचे तो वहाँ पे जाके फिर ऐसे अपने पीआफ जो है हम देख रहे थे कि वहाँ पे कहाँ से, क्योंकि शुरू में जो है मैं रूट सही नज़र नहीं आ रहा था कि सारे हैंगिंग ग्लेशियर्स था, तो बाद में जो शेरपा आया तो जो रॉक फिक्स सीन टीम था तो वो जाके फिर उन लोगों ने वहाँ पे रॉक फिक्स करना शुरू किया और हम भी उनके साथ साथ जाके अभी सरबाज़ उतारे वो एवलांच के हवाले से,
तो उसी टाइम जो है मैं मतलब शुरू से लास्ट दिन तक जो है मैं बिल्कुल एक्साइटेड था कि मेरा 8000 पीक जो है वो समिट हो जाएगा, और वो भी दुनिया में सबसे जो मुश्किल पहाड़ है, तो माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त। आपके इलाका, आपका ताल्लुक शिमशाल से है, और शिमशाल में समीना बेग जैसी बहादुर खातून जो कि माउंट एवरेस्ट को सर कर चुकी है, उनके क्रेडिट में बहुत सारी माउंटेंस दुनिया की जो सर कर चुकी हैं, तो उनके इलाके से आप हैं, क्या समझते हैं कि हमारी यूथ जो है क्या इस तरफ आ रही है, क्योंकि आप अपनी 30s में आप दोनों इंशाल्लाह आप जो है मैक्सिमम अपना करेंगे, जितनी भी जो टारगेट है, जो मिशन आप उसको अचीव करेंगे, हमारी दुआ है, हम आपके साथ हैं। जो यूथ के अंदर कितना विगर है, कितना जोश है इस हवाले से? हमारे से पहले जो है काफ़ी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, और उन लोगों ने काफ़ी पीक्स जो है क्लाइम किया है पाकिस्तान के अंदर जो है शिमशाल से, हमदा से और स्कर्दो से, काफ़ी लोगों ने हमारे जो पाकिस्तान में जो 5000 है, काफ़ी लोगों ने इसको अपना 5 के 5 उन लोगों ने सबमिट किया हुआ है। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उनको ट्रेनिंग मिले, और अभी जो है एज ए यूथ वो अभी देखेंगे कि भाई हम दोनों ने अभी 8000 पीक जो है वो क्लाइम किया है इसी मुश्किल हालात में, तो इंशाल्लाह वो भी जो है हमारे पीछे पीछे जो है आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि भाई एक प्लेटफॉर्म अगर हो गया तो उनको जो है ये आसानी मिलेगी 8000 पीक पे जो है। समीना बेग, अशरफ ममान, हसन सतपारा, अली सतपारा मरहूम, नज़ीर साबिर साहब, तो ये बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, बड़े लेजेंड्स हैं, तो क्या इनको देख के आपको मोटिवेशन मिलती है? ऐसे बड़े लेजेंड्स हमारे दरमियान मौजूद भी हैं जो हम में नहीं भी हैं? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं हमारे जो सीनियर्स जो हमारे स्टार्स हैं हम उन पर फ़ख्र करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल्स हैं। मेहदी साहब से लेके अशरफ अमान, नज़र साबिर, रजब शाह, हसन सतपारा और मेहरबान शाह, अली सतपारा, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, उनसे इंस्पायर भी है और अपना गुरु मानते हैं इन लोगों को। अच्छा सरबा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में गो की फैसिलिटीज़ सरकारी सतह पे तो नहीं हैं, स्पॉन्सर्स का क्या होता है? जब आप कोई चोटी क्लाइम करने के लिए आप इरादा रखते हैं तो ज़ाहिर बात है सबसे मुश्किल जो मरहला होता है वो फाइनेंसिस का होता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये बताएँ कि फाइनेंसिस को किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? ये जहाँ तक इस ग्रुप की बात है तो एवरेस्ट के लिए, तो मुझे जब मैं माउंट लोथसेवर एवरेस्ट के लिए गया था 19 में, तो मुझे सरीना होटल्स का स्पॉन्सर था, और अभी जो हम रिसेंटली जो अन्नपूर्णा पे जाके आए हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर थी, मनाकी थी, शमा एजाज़ के नाम से एक फाउंडेशन है वो थी, और सफ़ायर थी, एक कपड़े की ब्रांड है फीमेल, और इस तरह के vegas.com, इस तरह के बहुत अच्छा ज़बरदस्त जितने भी हमारे स्पॉन्सर थे उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ, और बड़ी अच्छा अंदाज़ में हमारे लिए स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान में जो हमारी जो हाई अल्टीट्यूड पोर्टर होता है, इन तमाम की लाइफ यकीनन एक ऐसा मुश्किल स्पोर्ट है जो एक्सपीडिशन जो आप करते हो, जो क्लाइम करते हो, तो ये एक बहुत मुश्किल तरीन दुनिया का स्पोर्ट है, इसमें लाइफ एट स्टेक हो जाती है आपकी, तो इन लोगों को क्या मतलूबा मुआवजा मिल जाता है, वो जो वेज मिल जाता है, डेली वेजर्स होते हैं बेचारे, अगर किसी को कोई नुकसान होता है, कोई डिसेबल हो जाता है या कोई दुनिया से चला जाता है, तो ऐसे में क्या इनकी कोई वो है, इंश्योरेंस वगैरह है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमें अपनी अपना हमसाया मुल्क नेपाल और पाकिस्तान का कंपेरिज़न करना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बड़े माउंटेन जो 8000 के हैं ज़्यादातर यहाँ पर हैं, तो निस्बतन नेपाल के हमारे यहाँ पे एक हमारे यानी एक हाई अल्टीट्यूड पोर्टर का जो ज़िंदगी की कीमत है, यानी आप इंश्योर्ड नहीं है यहाँ पे, यानी 2 लाख रुपए आप एक अगर एक बंदे का वो भी उसको, यानी हम कह सकते हैं मेरे मुंह भी नहीं आता है कि उसे डेथ के बाद होगी, तो ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए, और इस पे काम करने की ज़रूरत है, और एक नेपाली के लिए अगर जब नेपाल में कोई हादसा होती है तो उसका तकरीबन 20 लाख है, और हमारे यहाँ पे हमारे इंसान की इंसानी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख रुपये।
کلائمبنگ کے شعبے کو، ایکسپیڈیشن کے شعبے کو، ٹوریزم کے شعبے کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ لوگ ہمارے ایمبیسڈرز ہو، آپ لوگ ہمارے ہیروز ہو، تو حکومت کو اس حوالے سے کوئی آپ معاونت فرمائیں گے حکومت کی، کہ حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہئیں تاکہ اس اسپورٹ کی طرف لوگ جو ہے متوجہ ہوں، آئیں، خود کو آزمائیں، جن لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہیں اس ٹیلنٹ کو پالش کر کے، اس کو نکھار کے پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ یار پاکستان کے اندر خصوصاً گلگت بلتستان اور فرہنزہ میں جو ٹیلنٹ موجود ہے اس کو سامنے لایا جائے، اور ایک اس سے بہت بڑا ایک ریونیو جنریشن کا ایک سورس بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا حکومت کو اس طرح کے اقدامات، کنکریٹ سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ بالکل اٹھانے چاہیے، کیونکہ پاکستان یعنی خاص کر گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 میٹر کے پیکس اور 100 سے اوپر 7,000 کے پیکس، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے وہاں پہ. اگر ہم یہاں پہ ٹریننگز رکھے ہیں اور ایڈونچر سپورٹس کو پرموٹ کرے تو دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پہ لوگوں کا فلو زیادہ ہوگا اور روزگار، ہر ایک کو روزگار ملے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو یعنی پوری ہماری جو جتنے بھی ہم ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تیار ہر چیز میں تیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ شاید وہ گائیڈ ہو، وہ کلائمبر ہو، وہ کک ہو، جا جا کے پورٹرز کو بھی اس چیز میں آپ اس کو دکھانا ہے کہ آپ نے فارنر جو بھی آپ کا مہمان آتا ہے اس کا سامان کیسے اٹھانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، تو ان کو ہر چیز میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یعنی گراؤنڈ لیول پہ. بہت محنت کر رہے ہیں آپ چترال سے لے کر پورے گلگت بلتستان میں، آپ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے لوگ ٹرین ہوں کلائمبنگ کے شعبے کے اندر، تو آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو کون سے ایسے اقدامات ہیں جو نہیں اٹھائے گئے ہیں، موجودہ حکومت کو اٹھانے چاہیے؟ موجودہ حکومت کی یہ ترجیحات میں سے ایک ہے کہ ٹوریزم کو پورے پاکستان میں پروموٹ کیا جائے، جس کے بنا کے اوپر ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے جنریٹ ہو سکتا ہے. ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ٹوریزم پہ بہت زیادہ اس کی فوکس ہے، تو ماشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ کام کریں گے. تو ابھی تک جو ہے جتنا بھی میں نے ٹریننگ دیا ہوں وہ اپنے سیلف ایز اے والنٹیرلی، اور ایک دو جگہ پہ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی چپورسن میں میں نے اسکی اور آئس کلائمبنگ رکھا تھا، تو اس میں میرے کچھ دوست نے ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا اس نے تھوڑا سپورٹ کیا تھا. تو اسی طرح جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی جو ایونٹس ہے یا پھر کلائمبنگ جو بھی ہمارے کلائمبر جاتے ہیں کلائمبنگ کے لیے، ان کے لیے ان کا سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر تربیت یہاں سے مل جائے تو ان کے اوپر اگر انویسٹ ہو جائے تو وہ جو ہے نا وہاں سے ایز اے ماسٹر ٹرینر نکلنے کے بعد پھر پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ کافی ایک بڑا اثاثہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے نیپال میں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ایسے ٹرین ہیں کہ وہاں پہ اس وجہ سے زیادہ ٹوریزم آتا ہے، تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تاکہ ان کے لیے روٹ اوپن ہوتا ہے اور ان کی سامان جو ہے نا سیف ان کی کیمپس تک پہنچی جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے، اگر پاکستان میں ایسی تربیت حاصل ہو تاکہ ہمارے پاس جتنے بھی پیکس ہیں ہماری جو ٹیم ہے جو کلائمبرز ہیں وہ جا کے پھر وہاں پہ روپ فکس کریں اور ایسی چیزیں ہوں، تو وہ جو انکم ہے وہ ہمارے پاکستان میں آ جائیں گے، بجائے ابھی نیپال سے آتے لوگ یہاں پہ اور وہ یہ سارے چیزیں کرتے ہیں. تو بجائے یہ کہ اپنے لوگوں پہ ہم اگر اس کو انویسٹ کریں اور وہ انکم جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر آ جائیں گے، پاکستان میں بے روزگاری جو ہے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. یقین آپ نے بہترین بات یہ کہ نیپالی شیرپاس جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں ٹیکنیکل کاموں کے لیے، جو ٹیکنیکل سکلز ہیں ہمارے لوگوں میں نہیں ہیں، جس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ نے خود جو ہے آپ خود ایک ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں سرباز صاحب، علی ستپارہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے 14,800 سر کرنی ہے، تو آپ بتائیں کہ نام لے کر بتائیں کہ کون کون سی آپ نے چوٹیاں سر کی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کی لسٹ میں کون کون سی چوٹیاں موجود ہیں؟ پاکستان میں میں نے 3 پیکس سبمٹ کی ہے، جن میں سے K2 ننگا پربت اور براڈ پیک، نیپال میں ماؤنٹ لوتسے، ماؤنٹ منسلو، اور ابھی جو میں نے ریسنٹلی ہمارا جو مشن تھا انپورنا کا، میرے 6 کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں جا رہا ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ. اچھا جوشی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کے کیا پلانز ہیں، آنے والے دنوں میں آپ فردر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہمارے پاکستان کے لیے ہیں
पूरी दुनिया के लिए कि आप रिसेंटली आप वो दो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहली मरतबा अन्नपूर्णा को सर किया है, इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने आज तक उस चोटी को सर नहीं किया। तो आपके क्या प्लान्स हैं आने वाले दिनों में, क्या करने जा रहे हैं आप? बस अभी इंशाल्लाह मई के महीने में मेरा प्रोग्राम है कि एक ट्रेनिंग सेशन रखा मैंने वहाँ पे स्पेशली फीमेल्स के लिए, और मैं कोशिश करूँ कि फीमेल्स को ज़्यादा तबीयत मिले ताकि वो भी इसमें ज़्यादा आ जाएं। और उसके बाद फिर मेरा जुलाई में मेरा पशु कॉन्स का प्रोग्राम है, क्योंकि वो एक हमारे शमशाल से एक नौजवान एक्सीडेंट हो गया था अशकुमन वैली पे, तो फिर मैंने इसको कॉल ऑफ करके उसको रेस्क्यू करने के लिए गया था। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको फिर दोबारा अटेम्प्ट करूँगा मैं। तो असल में मेरा मकसद ये कि पशु कौन जो है ना वो दुनिया में बहुत ही मतलब बड़ा नाम है उसका, और मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो क्लाइंबर्स हैं वो क्यों ना करें अपने पीक्स को क्लाइम, ताकि क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान को हो जाए। मतलब कोई फॉरनर आके हमारे पीक्स को क्लाइम करने के बाद जो है ना वो क्रेडिट अपने कंट्रीज़ में लेके जाते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे अनक्लाइम पीक्स खुद क्यों ना करें ताकि वो क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान को आ जाए। कभी भाभी ने आपको कहा है कि यार आप इसको कॉल ऑफ करें, ये ना करें, कुछ और करें, ये बहुत मुश्किल काम है? सबसे पहले ये कि शुरू में ऐसे ही होता है, जब हम अपना प्लान बनाते हैं कि मैंने इस जगह पे जाना है, तो वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और वो ऐसे ही मतलब वो मना करते हैं कि भाई आप लोग अभी मत जाए, अभी छोड़ दे इस फील्ड को। तो और उनको पता है कि भाई हमारा एक जुनून है और एक शौक़ है हमारा सी क्लाइंबिंग के हवाले से, और वो कहते हैं कि भाई इतना भी हम आप लोगों को मना नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका फील्ड है। और उनकी तरफ से ये कि बस जब हम घर से निकलते हैं तो बस वो दुआ करते हैं हमारे लिए, और जब वापस जाते हैं तो मतलब ये कि हर लम्हा जो है ना वो दुआ को रहता है। अच्छा आप ये बताएं कि आप दोनों की जो मिसेज हैं, अभी मुझे पता चला कि दोनों का नाम भी एक है, मैंने सुना कि बर्थडेज़ भी मिलते जुलते महीनों के अंदर हैं, तो भाभी कभी आपको रोकती है यार ये सरबाजी क्या कर रहे हो, आपने बच्चों को और मुझे छोड़ा हुआ है और आप जाते हो पहाड़ों में और गायब रहते हो, कभी इस तरह की बात आती है घर से? मैं ज़्यादातर एंकर से यही वो करता हूँ कि आप प्लीज़ ये सवाल ना करें, क्योंकि मेरी वाइफ को ये चीज़ दोबारा याद आती है कि जब शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने एक वादा करके वो किया था कि मैं शादी के बाद छोड़ दूंगा टूरिज़म ही, लेकिन जब मैंने शादी करके 3 महीने बाद ही मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की है। तो बहरहाल शुरू में सिर्फ वाइफ का नहीं बल्कि मेरी वालदा का भी वो था कि आप इस फील्ड में ना जाएँ, ख़तरा है, लेकिन बहरहाल जब से उनको पता चला कि ये तो वाकई इन पहाड़ों के लिए बने हैं, तो अभी ज़्यादा इस चीज़ पे हमारी बहस ज़्यादा नहीं होती है। शुरू में ज़्यादा बहस होती थी कि आप लोग ये काम छोड़ दें, कोई कारोबार कर ले, कोई जॉब कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो ख़ास चीज़ के लिए पैदा होते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं इन पहाड़ों के लिए पैदा हूँ। जी दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो कि एक ख़ास शोबे के लिए पैदा होते हैं। यकीनन सरबाज खान और अब्दुल जोशी जो है ये पहाड़ों पर चढ़ना अब इनका एक प्रोफेशन बन चुका है, और इनका ये बेसिक हुकूमत से मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी तरबियत गाह कायम की जाए जो कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो नौजवान तबका है, जो एस्पायरेंट हैं, जो कि इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, वो ट्रेनिंग ले लें, इन्हीं लोगों से ट्रेनिंग ले लें जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हमारे पास बहुत बेहतरीन स्किल्ड लोग हैं, लेकिन ये स्किल मुंतकिल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, और इसके लिए एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, एक इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जब हुकूमत इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसके नतीजे में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स है, क्लाइंबिंग है, टूरिज़्म है, उसमें प्लेजर टूरिज़्म है, हर तरह का स्पोर्ट जो है प्रमोट हो सकता है। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन आपको भी मज़ा आया होगा कि इन दो स्टार्स के साथ हमने आज बात की।